दोस्तों गूगल ड्राइव सेफ है या नहीं है, मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गूगल ड्राइव क्या है। दोस्तों गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसमें आपको 15 GB स्टोरेज फ्री में मिलता है। इसमें आप अपना वीडियो, फोटो, म्यूजिक या कोई फाइल अपलोड करके रख सकते हैं। 15 GB स्टोरेज से अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे। मैं लगभग 4 साल से गूगल ड्राइव यूज कर रहा हूं और आज तक मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन आपके कुछ गलतियों के कारण ये जो गूगल ड्राइव है ये हैक भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपका गूगल ड्राइव लाइफ में कभी भी हैक ना हो। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, आप अपने ईमेल आईडी का 2-फैक्टर सेटिंग ऑन करके रखें हमेशा, क्योंकि अगर बाय द वे किसी को आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड पता चल जाता है और वो ईमेल आईडी अपने फोन में अगर खोलता है या अपने मोबाइल में आपका ईमेल आईडी खोलता है तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। जब तक आप उसे ओटीपी ना दे तब तक वो आपका ईमेल आईडी नहीं खोल सकता है, या आप अपने फोन से या लैपटॉप से जब तक उसे अप्रूव ना करे तब तक वो आपका ईमेल आईडी नहीं खोल सकता है। इसलिए दोस्तों आपको 2-फैक्टर सेटिंग ऑन करके रखना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, आपको किसी के कंप्यूटर या मोबाइल में अपना ईमेल आईडी साइन इन करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज के दुनिया में किसी पे ट्रस्ट करना फायदे की बात नहीं है, उसमें आपका ही घाटा है। पॉइंट नंबर 3, गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप होता है उसमें आप अपना ईमेल आईडी साइन इन कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर के बाहर के जो ऐप है, जो मोड एपीके होते हैं, मींस करेक्ट एप्लीकेशन जो होते हैं, उस एप्लीकेशन में अगर आपका ईमेल आईडी मांगता है तो भूल से भी आप अपना ईमेल आईडी उस ऐप में साइन इन ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के ऐप में ही आप अपना ईमेल आईडी साइन इन करें। पॉइंट नंबर 4, आप कोई वेबसाइट पे जाके आप मूवी डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अगर उस समय आपके गूगल ड्राइव का एक्सेस मांगता है तो आप अलाउ ना करें, क्योंकि वो भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप उसके लिए कोई दूसरा ईमेल आईडी बना ले, आप उसे यूज करें उस जगह, लेकिन जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को उस जगह ना डालें और अपने गूगल ड्राइव का एक्सेस ना दे। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों आप जो गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करते हैं उस फाइल का लिंक शेयरिंग ऑन करके आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों मन में एक सवाल आता है कि गूगल में जो काम करते हैं वो क्या आपका गूगल ड्राइव खोल के देख सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, वो खोल के देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, तभी वो आपका गूगल ड्राइव खोल के देख सकते हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका गूगल ड्राइव खोल के देखे। इसलिए दोस्तों जो आपका जो गूगल ड्राइव है वो बिल्कुल ही सेफ है, आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।